सर इधर टन लीजिए आपने सब पीछे पीछे सर 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 मैम इधर मैम लोग इधर मैम लोग क्या आपने फिल्म देखी? आप बहुत ही सीरियस दिख रहे हैं मुझे, क्यों? यू नॉट सीरियस? ओके, नहीं, आई एम वेरी हैप्पी विद द फिल्म. और कुछ लोगों को पसंद, बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है. कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ और, वो दे वर लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग एल्स. तो बट आई जस्ट वॉन्ट टू से कि आई थिंक ये अलग तरह की फिल्म है. एक ड्रामेटिक फिल्म है, जो डायलॉग बाजी पहले होती थी उस किस्म की फिल्म है. और यू नो, तिग्मांशु का एक काफ़ी एजी डायरेक्शन होता है हमेशा. सो उस तरह की फिल्म है एंड आई थिंक पीपल विल रियली लाइक इट. सो आप आके अगर उस तरह का जो आप मिस कर रहे हैं, अगर वो जो एक एरा होता था, यू नो, सो इफ़ यू वॉन्ट टू कम एंड सी दैट, एंड प्लीज कम एंड वॉच द फिल्म. एंड मैं बहुत खुश हूँ. और नेगेटिव रोल्स पे चले चलो. या नो, आई थिंक नेगेटिव इज डेफिनेटली अ ट्रेंड, लेकिन मुझे लगता है वही एक रियलिटी भी है सोसाइटी की. सो इट्स अ गुड थिंग टू मेक फिल्म्स एंड स्टिल एंटरटेन पीपल. सो आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग. या I think ज़्यादा exciting होता है प्ले करने के लिए. शेड्स मिलते हैं आपको प्ले करने के लिए. कुछ डायरेक्टर्स लाइक तिग्मांशु एंड जो एक स्कूल ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनको ऐसा ज़्यादा जो इस तरह का कैरेक्टराइजेशन है उसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करने में उनको मज़ा आता है. सो हर तरह की यू नो आई थिंक पार्ट्स हैं, बट ये एक अलग तरह का, एक एजी रॉ टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट है. सो या